ऑल दिस कंसर्न क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, तो वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला। इंटरेस्टिंग मीन्स मैंने कुछ एक साल भर पहले 7 kg वेट लूज किया था, तो कुछ एक्सरसाइज वगैरह की थी, तो अभी मैं कुछ ध्यान नहीं दे पा रही हूँ एक्सरसाइज पर, तो मेरा वज़न कुछ बढ़ चुका है 3 से 4 किलो। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज थोड़ा वर्कआउट किया जाए, और ये भी जिम चले जाते हैं इस टाइम, बच्चे भी स्कूल गए हैं, तो ये टाइम है, अच्छा टाइम है एक्सरसाइज करने का, तो करते हैं आज से शुरू। तो फ्रेंड्स, यहाँ हो गई है मेरा वर्कआउट ख़त्म। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं पहले 1.5 साल पहले मैंने 7 kg वेट लूज़ किया था, तो मैंने जुम्बा और थोड़ा और वर्कआउट और थोड़ी डाइट पे ध्यान देकर तो मैंने 7 kg वेट लूज़ किया, लेकिन अभी मैं कुछ ध्यान नहीं दे पा रही हूँ तो मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया है, इसीलिए मैंने थोड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट की है, तो आज ज़्यादा नहीं की 20 मिनट की। उसके बाद मैंने थोड़ा सा घर का काम देखना शुरू कर दिया, जिम से अभी तक आए नहीं हैं, तो मैं आज बनाने जा रही हूँ अप्पे, वो भी सूजी से, तो उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ। तो एक साथ मैं काफ़ी सारे काम करने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं एक्सरसाइज के चक्कर में थोड़ी सी लेट हो गई, तो कोई बात नहीं, तो भगवान ने हमें दो दो हाथ दिए हैं तो हम काम भी एक साथ बहुत सारे कर लेते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ सूजी के अप्पे। तो मैंने सूजी को भिगो कर रख दिया है, उसके अंदर प्याज टमाटर वेजिटेबल्स डालकर और नमक डालकर लाल मिर्च वगैरह सब डालकर उसको भिगो के रख दिया, और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ सब्जी। तो ऑयल ख़त्म हो गया है डिस्पेंसर में, तो मैं ऐसे करती हूँ कि जब ऑयल कोई भी चीज़ डब्बे में ख़त्म हो जाती है तो मैं डब्बा धोने के लिए रख देती हूँ, तो इसके साथ साथ क्या होता है डब्बे क्लीन भी रहते हैं और अच्छा रहता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने ऑयल डिस्पेंसर धोने के लिए रख दिया। यहाँ मैं बना रही हूँ तुरई की सब्जी, तो फटाफट से मैंने तुरई की सब्जी को चढ़ा दिया है गैस पे। तो मैं सबसे पहले प्याज डालती हूँ, उसके बाद तुरई होती है उसे रख के और हल्दी नमक डाल के उसे थोड़ी देर सिकने देती हूँ, उसके बाद ही उसे मिक्स करती हूँ। तो यहाँ बन रही है तुरई की सब्जी, और उस तरफ मैंने अप्पे के लिए जो सूजी है उसको भिगो कर रख दिया है, और उसके बाद मैं यहीं पर ही आटा लगा लूँगी। ये देखिए मैं अप्पे डाल रही हूँ, क्योंकि इनका ये आ गए हैं जिनसे, और ब्रेकफास्ट का हो गया है टाइम, तो फटाफट से बना देती हूँ, क्योंकि आज थोड़े से हो गए हम लेट, लेकिन ऐसा ही होता है, फटाफट सारा दिन में यही हमारा काम चलता रहता है, जितना ही हम जल्दी करने की कोशिश कर लें लेकिन और काम हमें दिख जाते हैं, तो उस चक्कर में हमारे दूसरे काम डिले हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो उसी टाइम पर हो जाएगा, उसी टाइम पर इन्हें ऑफिस जाना है, उसी टाइम पर ब्रेकफास्ट मिलेगा, बस थोड़ा फास्ट और एक ही बार में तीन तीन काम करने पड़ेंगे। तो यहाँ एक तरफ मेरी बन रही है सब्जी, दूसरी तरफ मैं आटा लगा रही हूँ, तीसरी तरफ मैंने अप्पे भी सेक लिए हैं, और चलो ये हो गए हैं रेडी और चले गए हैं ऑफिस, ऑफिस जा रहे हैं। उसके बाद के मेरे कुछ और काम, ये हो गया रुचिका का रूम, ये रुचिका के रूम को मैंने उसकी बेडशीट क्लीन करके उसको सही से बिछा दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने बिखरे हुए किचन में, जिसमें मैं थोड़ी देर पहले तूफान आया था, उस तूफान को ठीक करने के लिए मुझे यहाँ 1.5 घंटा लग गया। ये देखो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में, इसीलिए लगता है कि पता नहीं कितना जल्दी जल्दी काम हो रहा है, लेकिन बहुत टाइम लगता है। उसके बाद मेरे साथ हो गया बहुत बड़ा पोपट, मैंने लगाया था कैमरा ऑन करके, मैंने उस जो रूम में वॉलपेपर लगाया था तो मैंने कैमरा ऑन किया था, लेकिन कैमरा हुआ ही नहीं ऑन और यहाँ मेरे वॉलपेपर लग गया। उसके बाद मैंने अलमारी को सेट किया और यहाँ आ गई अपने प्लांट्स के पास। देखिए प्लांट्स तो हम रख लेते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा क्लीन भी करना पड़ेगा, पानी भी देना पड़ेगा, तो मैं इन्हें कर रही हूँ क्लीन, क्योंकि जो स्प्रे बोतल से पानी डालने के कारण उनके ऊपर थोड़े निशान पड़ गए, तो उन्हें क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ नहा कर आने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, और किचन में आके हमारे लिए मैंने बनाई रोटियां, क्योंकि बच्चे भी आने वाले हैं, टाइम हो चुका है, बच्चे आ गए किचन, स्कूल से उन्होंने कर लिया अपना लंच, बाद कर लिया, उसके बाद शाम हो गई है। शाम के बाद मैं शाम को पूजा कर रही हूँ, पूजा के बाद जो मंदिर के अंदर जो पानी रखा होता है वो पूरे घर में छिड़क रही हूँ, पूरे घर में, कहते हैं कि इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो पूरे घर में मैंने पानी छिड़क दिया। तेरे लिए एक सरप्राइज है, आंखें बंद कर, अब बाहर चल, बाहर आंखें बंद करके जाना, खोलना मत, ठीक है, मैं तेरे को लेके चलती हूँ, चल गेट खोल, ध्यान से सीढ़ी पर गिर मत जाना, मुझे हाथ पकड़ के ले जा, ऊपर नहीं जाना, नीचे जाना, सरप्राइज इम्पोर्टेंट नहीं है, चप्पल इम्पोर्टेंट है, गिरे तो कैसा लगा कुछ सरप्राइज।
ये है कुंज की बाइक, इसको लिए काफी टाइम हो गया, ये घर में ऐसे ही पड़ी खराब हो रही थी तो इन्होंने इसे सही करवा दिया तो ये सही हो गई है। तो कुंज उससे बहुत खुश हो गया, तो वो सड़क पे चला रहा है अपनी बाइक। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में कुछ काम रहता था, कुछ बॉक्स वगैरह खाली हुए थे तो मैंने उन्हें वॉश करने के लिए रख दिया है। और जो मैंने आपसे पहले कहा कि जैसे ही बॉक्स खाली होता है तो मैं उसे धोने के लिए, इतने में ये आ गए और चाय का इशारा करके चले गए। तो वही लेडीज का काम खत्म ही नहीं होता है। तो आज मेरा फुल रूटीन आपने देखा, मैं इसे किस टाइम से क्या क्या कैसे कैसे काम करती हूँ। आप इस टाइप का नाम है ऑयल डिस्पेंसर, क्योंकि ऑयल इसके अंदर फंस जाता है, इसको हम वॉश नहीं कर सकते। इसे हम वॉश करते हैं तो सारा जब इसे ऑयल यहाँ आकर फंस जाता है, ये निकलता भी नहीं है। तो मैंने इसे दो मंगाए थे, मैं मुझे ये पसंद नहीं आए। जब तक चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं, जब लाऊंगी तो खुद मार्केट से देख कर और अच्छी क्वालिटी का लेके के आऊँगी। ये अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन ये चीज़ ज़रा देखना जब भी आप खरीदते हो। तो फ्रेंड्स, मैं ऑयल डिस्पेंसर को लेकर अपना रिव्यू आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा ऑयल डिस्पेंसर ना लें, ये अच्छा नहीं है। और यहाँ मैं आ गई हूँ, अपने जो बॉक्स था उसको क्लीन कर रही हूँ कुछ बिस्किट वगैरह रखने का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मैं एक और लाने वाली हूँ, आप भी ऐसा रख सकते हैं। ऐसे हमारा सारा सामान एक जगह पर सेट रहता है खाने पीने का बच्चों के। और यहाँ मैंने राजमा भिगो दिया सुबह के लिए और बादाम किशमिश भिगो दी है। और यहाँ मैं बना रही हूँ रात के डिनर के लिए पुलाव, नमकीन पुलाव इन्हें बहुत पसंद है तो आज वही बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का फुल रूटीन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना सबसे ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही रूटीन ब्लॉग अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू, बाय।